देखो अभी वो आ रहे हैं और तक्षु यहाँ पर था, इसको हटाया तक्षु को। देखो ये आ गए अंजलि मामा लेके आते ना, ये अंजलि के मामा जी हैं। यहीं उतार दो, यहीं पर ही। ये आगे अंजलि की मम्मी, ये अंजलि की मम्मी है। बता इसलिए रहा हूँ ना गाइस, हमें तो पता है, आप सबको भी पता लगना चाहिए वीडियो में। और गाइस हम लोग प्रिया, मैं, तक्षु और तक्षु यहाँ पर है, पापा भी यहाँ पर है। ये नहीं देखो, देख रही है, ओह मेरा व्लॉग बना रही है। ये छोटी वाली मम्मी है प्रिया की, मतलब ये बड़े मामा की लड़की है, ये छोटी मामी है रियल। पापा ये फ़ोन में वीडियो बना रहे हैं और मैं पापा की वीडियो बना रहा हूँ इस चैनल पर। पापा ने ये वाला न्यू फ़ोन लिया, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, वीवो का है। वीवो का है किसका प्रिया? एक सामने से खींचा। और जो आपने खील का हवन किया है, और देवता भी प्रसन्न होते, जो आपने परिक्रमा की है उससे भी अग्नि देव प्रसन्न होते हैं। परंतु जब तक आप उसके सात वचन स्वीकार नहीं कर सके, तब तक लड़की की कन्या कुमारी प्रथम वचन है कि यदि यज्ञम प्रयास में प्रकटवा। आज तक जो आप अपने मम्मी पापा से उसके यज्ञ किया करते, बच्चा आपसे कहो ना भी पूछे मम्मी पापा भाई बड़े हैं उसमें क्या उनका अधिकार है, नहीं पूछ सकते उसमें क्या। परंतु आपका पूछना फर्ज, पूछना फर्ज है। बुढ़िया कहती है कि यदि यज्ञ प्रयास समर्पण गृत्वा, जैसे आप अपने मम्मी पापा से पूछते हो कि यज्ञ करूं या बड़ा करूं छोटा करूं और या कुछ दिन रुक के करूं, वो आपकी अर्थ नहीं है। जिससे आप पूछते हो उसी प्रकार उससे भी पूछना पड़ेगा, शायद उसके मन में ना हो करने के और थोड़ा बड़ा करने को, थोड़ा रोक के करने को, तो किया और ना किया सब बराबर। जब तक घर की सहमत सलाह ना हो तब तक नहीं करना चाहिए, ठीक है ना बेटा? हाँ। दूसरा वचन है यदि दानम प्रयास समर्पण करता, यही बात यहाँ भी लगती है दान की चीज़ें। शायद मान लो और कई लोगों को हमने देखा है, बोला थोड़ा दान ना करो, नल वगैरह कहीं रास्ते में लगवा दो, कोई राय गिर जाता है, ये कोई कहेगा कि बनाने आदमी ने आदमी या कहीं है वो बड़ा लगवाते हो वाटर कूलर या छोटा, मतलब सबकी सहमत से ही। तीसरा वचन है अवस्था त्रय मम पालनम प्रयात, तीन अवस्थाएं होती हैं, बाल अवस्था, युवा अवस्था और बुढ़ापा अवस्था। एक अवस्था तो उसने गुजार दी, एक अवस्था तो उसने गुजार दी अपने मम्मी और पापा के, दो अवस्थाएं वो कौन है, युवा और बुढ़ापा। उसमें आप मुश्किल ना करो,
चौथा वचन है धनाल को अपने मन समर्पित करवा, माया धन और आदि कहीं भी धके या रखे उसमें भी सहमत लो। बेटा ये अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं, सबकी सहमत से मान ले एक मिनट के लिए रह गया, बोले भाई सबकी सहमत थी तो रह गया, अब हम क्या कर सकते हैं। और अकेला देख अकेले दे के आए, बोले आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी, दे आए काम का, रोके तो दिक्कत ना रोके तो बोले अपने मन की इच्छा अनुसार चले गए, तो सबकी इच्छा अनुसार भाई सब पांचवा वचन है गवाद पशु विक्रम गठवा, गाय बैल घोड़ा आदि जो पशु आप खरीदे या बेचो उसके सहयोग। छठा वचन है वसंत षष्ठ ऋतु पाठन क्रिया, छह ऋतुएं होती हैं वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, सिर्फ छह ऋतुओं में आप उसकी पालना करेंगे। और सातवां वचन कितना अच्छा और सुंदर है, ऐसी बात नहीं, सखी सुगन आशय कर वाक्यम न भवेत न प्रयास तथा भवता काम अंगे याद अच्छा भी। आपके घर अगर कोई फंक्शन हो रहा है या कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, अगर उसकी कोई सहेली आपके घर आई है तो अच्छी बात है, दूसरी बात ये वहाँ ये अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई गलती हो गई है कठोर वचन अगर सबके सामने आपने ये कह दिया, आपने ऐसा क्यों गलत कर दिया ना, एक साइड अगर कहेंगे आपने ये गलती कर दी, उस गलती का तो पश्चाताप हो सकता है, भाई हमने चलो हमने गलती की, अभी हमने एक साइड कह के अगर अपना गलती के लिए गलती हो गई हो गई आगे ना ध्यान रहे, सबके सामने कहना अच्छा, बोले एक साइड भी कह सकते सबके सामने कठोर वचन आप नहीं कहेंगे तो मैं आपके बाम अंग को स्वीकार किए, ये कहते हमने तो आपके साथ वचन स्वीकार कर लिए, परंतु हमारे भी साथ के अंदर साढ़े तीन है नहीं होते चार वचन, ये मत सोचना साथ में बांध दिया वो चार वचन ही ऐसे की, ये कहते हैं हमारे भी पुनः चतवार वर वाक्यन, हमारे भी आपको चार वचन स्वीकार करने होंगे, वो कौन कौन से हैं, उद्याने मत पाने चापताग्रे गमने चाहते आप हमको ना करना वर वाक्यन, प्रथम वचन है उद्यान जंगल में ना जाए और वन में ना जाए, दूसरा वचन है मध्य जो मनुष्य शराब पिए हो हमेशा उसे 10 कदम दाएं बाएं से निकले, अगर वो जा रहा है 2 मिनट ठहर भी चली जाओ उसको चला जाने दो कोई बात। और तीसरा वचन है अपने पिता के यहाँ मेरी आज्ञा बगैर ना जाए, अगर अजय बाबू नहीं है दुनिया वो अच्छी नहीं थी बहुत इज्जत करेंगे, इनको ले आओगे ये बहुत इज्जत करेंगे, आज्ञा को भंग ना करें तो मैं आपको काम अंग लेता हूँ। और इनके जो इनके घर में जो देवी देवता है उनको पूजो जैसा ये पूछते हैं उसको, ठीक है ना। हाँ तो बेटा अपने मुख से बोलो अष्ट वचन, आप उसने चार वचन स्वीकार अपने सीधे आंदोलन, अपने मुख से कहना हम अपने अपने वचनों पर अटल रहेंगे, जैसे सूर्य चंद्रमा अटल रहते हैं इसी प्रकार कहाँ जाना है सूर्य देवता तो है नहीं वो बच्चों के ये साक्षी आप पीछे करो कोई सामने देखो सामने सामने देखो जी, हाँ जी सामने देखना बाबू जी, गाइस देखो हम पूरे में ढूंढ रहे हैं उसे और वो कहाँ है।
ये देखो अंदर नहीं था, कहीं भी नहीं था, कहाँ मिला वो, ये रहा इसको। Thank you.